हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आईपीएल 2021 के लिए अब सारी आईपीएल की फ्रेंचाइज ने अपनी अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। इसके साथ ही आईपीएल की ट्रेड विंडो भी हमें करेंटली एक्टिव नज़र आ रही है, जो कि 11 फरवरी तक चलने वाली है। और गाइज, ट्रेड विंडो के अंदर ऑलरेडी हम लोग डेनियल सैम्स और हर्षल पटेल को आरसीबी में और उनके साथ ही रॉबिन उथप्पा को आरआर की टीम से सीएसके में ट्रेड होते हुए देख चुके हैं। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में बताऊंगा कि ट्रेड विंडो का आखिरी चरण किस तरीके से स्टार्ट हो चुका है, इसके साथ ही कौन से 7 बड़े प्लेयर्स अभी भी करंटली ट्रेड विंडो के पार्ट बने हुए हैं, जो कि आपको इस वीक ट्रेड होते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन गाइज, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, हमेशा की तरह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब ट्रेड विंडो स्टार्ट हुए करीब 1 से 1.5 महीने का टाइम जा चुका है और ट्रेड विंडो हमें 3 अलग अलग चरणों में होते हुए नजर आती है। ऑलमोस्ट 10 से लेकर 12 दिन का एक स्टेप होता है। तो ऐसे में अब आखिरी के 10-11 दिन बचे हुए हैं, यानी कि ट्रेड विंडो का आखिरी चरण स्टार्ट हो चुका है। और ऐसे में ट्रेड को लेकर ऑलरेडी काफी सारे नाम्स हम आपको चैनल के ऊपर ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आज उन 7 नामों के बारे में हम आपको बताएंगे जो कि करेंटली अभी भी ट्रेड विंडो के पार्ट बने हुए हैं और आपको आने वाले वीक में ट्रेड होते हुए नजर आएंगे। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर नाम निकल कर आता है क्रिस लिन का। क्रिस लिन सबसे पहले एंट्री बने थे जिन्होंने आईपीएल की ट्रेड विंडो में जिनका नाम निकल कर सामने आया था। इनकी ट्रेड को लेकर अभी मुंबई इंडियंस और केकेआर के बीच में नेगोशिएशन चल रही है। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं इस लिस्ट में दूसरे बड़े प्लेयर की, और यहां पर नाम निकल कर आता है राजस्थान रॉयल्स के मयंक पारकंडे का। मयंक पारकंडे आरआर की टीम में रिटेन होने के बाद ट्रेड विंडो के लिए एलिजिबल हो गए थे, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम के बीच में पिछले काफी टाइम से इनकी ट्रेड को लेकर नेगोशिएशन चल रही है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम निकल कर आता है सनराइजर्स हैदराबाद के मोहम्मद नबी का। मोहम्मद नबी ने एसआरएच की टीम से रिक्वेस्ट की थी कि उनको ट्रेड के लिए अवेलेबल कर दिया जाए या तो उनको रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में अब उनकी जगह बिल्कुल भी नहीं बन रही है। और गाइज, मोहम्मद नबी की ट्रेड के लिए ऑलरेडी किंग्स 11 पंजाब, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें सनराइजर्स हैदराबाद के साथ कॉन्टैक्ट में बनी हुई हैं। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम निकल कर आता है कुलदीप यादव का। कुलदीप यादव को केकेआर की टीम ने रिटेन कर लिया था, लेकिन उनके प्राइस टैग जो कि है 5.8 करोड़ और वरुण चक्रवर्ती की अवेलेबिलिटी की वजह से इन्होंने यहां पर इनको ट्रेड विंडो के लिए आगे कर दिया था। कुलदीप यादव को कुछ टीमें अपनी टीम में ट्रेड करना चाहती हैं, जैसे कि मुंबई इंडियंस की टीम, लेकिन अभी करेंटली इन दोनों ही मैनेजमेंट के बीच में इसको लेकर कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हुई है। इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर नाम निकल कर आता है राजस्थान रॉयल्स से ही डेविड मिलर का। डेविड मिलर को आरआर की टीम ने इसीलिए रिटेन किया था ताकि वो उनको ट्रेड विंडो के लिए अवेलेबल कर सकें, क्योंकि आईपीएल 2020 में भी मिलर को आरआर की टीम से खेलने का चांस नहीं मिला था। और गाइज, मिलर को ट्रेड करने के लिए पहले केएक्सआईपी और आरसीबी की टीमें रेस में आई थी, लेकिन बाद में केएक्सआईपी ने अपना नाम पुल आउट कर लिया और अब सिर्फ आरसीबी ही डेविड मिलर को ट्रेड कर सकती है, लेकिन इस बात की पॉसिबिलिटी फिलहाल काफी ज्यादा कम नजर आ रही है। इस लिस्ट में छठे नंबर पर नाम निकल कर आता है किंग्स 11 पंजाब के सरफराज खान का। सरफराज खान को आईपीएल में काफी ज्यादा चांस दिए जाने के बावजूद भी अभी तक वो अपने टैलेंट के साथ जस्टिस नहीं कर पाए हैं, और यही वजह है कि किंग्स 11 पंजाब ने इनको भी ट्रेड के लिए अवेलेबल कर दिया था। लेकिन गाइस, सरप्राइजिंगली सरफराज खान के ऊपर किसी भी टीम ने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, यानी कि ये ट्रेड विंडो के पार्ट तो हैं, लेकिन कोई भी टीम इनके ऊपर बिडिंग करने को या फिर अपनी टीम में इनका ट्रांसफर करने को लेकर इंटरेस्टेड नहीं है। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं इस लिस्ट में सातवें और आखिरी प्लेयर, जिस ट्रेड की रिक्वेस्ट दिल्ली कैपिटल्स ने करी थी आरआर की टीम से राहुल तेवाटिया के ट्रेड को लेकर। लेकिन गाइस, राजस्थान रॉयल्स की टीम ने साफ साफ मना कर दिया। उनको 2 ऑफर दिए गए थे, एक कैश का ऑफर और दूसरा ऑफर था कैश प्लस प्लेयर का, लेकिन आरआर की टीम ने डीसी के इन दोनों ही ऑफर्स को ठुकरा दिया था, जिसकी वजह से राहुल तिवाटिया का नाम ट्रेड विंडो से हटा दिया गया। तो ये थे वो कंप्लीट लिस्ट ऑफ प्लेयर्स जो कि अभी ट्रेड विंडो के तीसरे चरण में भी बने हुए हैं और आपको ये ट्रेड होते हुए नजर आ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए आप लोग कौन कौन से प्लेयर्स को ट्रेड होते हुए देखना चाहते हो। तो ये वीडियो यहीं तक थी, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो उसको जरूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।